टीडीएस सुन्नी, टीडीएस। अब मैं बताता हूँ आपको कि हमारे जज्बाती सुन्नी कैसे हैं, आज का जमाना जज्बाती। तो टीडीएस सुन्नी जो है सरकार गौसपाक के, सरकार गौसपाक का जो है वो वहां पर न्यास कर रहे थे खिजड़े पर। सामने से पता नहीं उन विचारों की क्या शामत आई थी, पांच छह एंड गए, पांच छह एंड आ गए। आए तो आते के साथ ही उन्होंने देखा नौजवान वहां पे खिचड़ा बना रहे हैं। नौजवान ने पूछा आई आई सीख आई, कहने क्या हो रहा है यहां पर, कहेंगे सरकार गौसपाक की न्याय जुड़ी, आओ खाओ खाओ खाओ। अब उन्होंने इसलिए बुलाया कि ताकि उन्होंने इसलिए बुलाया कि ये लोग बना करें और फिर ये उनकी खिदमत करें। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर, कहने लगे सरकार गौसपाक की न्याय, तो बात तो बात तो बात तो बात। अरे हम सरकार आप देखते हैं, हम लोग सफर से आ रहे हैं, हम लोग तो बिल्कुल सलामत नहीं। आप हमको पहले बताइए कि मस्जिद कहाँ है, वहां जाके हम लोग अपनी जरूरियात के फारिग होकर पहले हम लोग वुजू करेंगे। बेवजू सरकार गौसपाक की न्याज नहीं खाएंगे। एंड गए, ये कोई झोंक टुकड़ा नहीं, ये असली वाकया है। अल्लाह अरे अच्छा, अरे ताज्जुब की बात है। नौजवान झटक गए कि अभी तक तो हमारे उलमा अहले सुन्नत ने बताया था कि लोग न्याज फातिहा दुरूद के खिलाफ करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ न्याज खाएंगे बल्कि बेवजू न्याज नहीं खाएंगे। अरे बहुत बड़ी बात, बड़ा आला, बहुत अजीम बात। कहेंगे ठीक है साहब, गांव में तो उनकी न्याज को सब उसमें जमा होते हैं, पूरे गांव वाले बड़ा दस्तरखान बिछा सब बैठे सब खाने लगे न्याज। तो ये एडवोकेट खड़े हुए कहने लगे, सरपंच कहने लगे, हमारी ये गुजारिश है कि आप हमारी बात थोड़ी सुन लीजिए। कहें क्या बात, कहें हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि साहब हमारे बारे में, हमारी जमात के बारे में मशहूर है कि हम लोग बुजुर्गों की न्यायों को मना करते हैं, ऐसी बात नहीं। आप हमको बताइए सरकार गौसपाक का जो न्याज है, तोसा है, खिचड़े का तोसा, इसमें आप लोग जो गोश्त खाएंगे उसकी हड्डियों क्या करेंगे। सरपंच हंसने लगा, है कहने के कमाल है, हड्डियों क्या करेंगे, सब करते हुए हड्डी गोश्त खा लेंगे हड्डियां फेंक दिए। कहने लगा तो बात, तो बात अस्पष्ट होगा, अस्पष्ट होगा। अरे बताइए सरकार गौसपाक की न्याज, सरकार खाए पीर की न्याज की हड्डियां, और आप उनको नदी नालों में मारोगे, ये तो बेअदबी है सरकार गौसपाक की न्याज। कह लेंगे देखिए हम लोग न्याज का मना नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि अगर अदब कर पाओ तो न्याज करो, और अगर एहतराम ना कर पाओ तो न्याज मत करो। समझे आप उनका लॉजिक, समझ रहे आप भी फंस गए। अगर उनका लॉजिक समझे तो आप भी फंस गए। मैं वही कहता हूं स्मार्ट फोन नहीं बनो, स्मार्ट फोन हियर, यहां से स्मार्ट बनो, दिमाग से स्मार्ट बनो। सिर्फ कपड़ों से स्मार्ट बने कुछ नहीं होता, समझ लो, कपड़ों से स्मार्ट बन के कुछ नहीं होता है। इस्लामिक स्मार्टनेस का मतलब यह है कि जाहिर दाजी को उतार फेंकना और अपने दिमाग को लैस कर लेना इल्म से। कौन से उलूम से, उलूम नबविया, सरकार के इल्म दीन शरीफ के इल्म से। यकीन जानो जो सरकार के इल्म दीन शरीफ से बहरामंद जो लोग होते हैं उनको दुनिया में कोई नहीं पछाड़ पा रहा, कोई नहीं पछाड़ पा रहा। अल्लाह अकबर। तो जनाबे वाला क्या हुआ, क्या अभी नौजवान वहां के छिदक गए, ये तो बड़ा मसला हो गया है। पास में हमारे जावेद अशरफिया के हमारे क्लास फेलो है, वो पाटी के गांव में जो है वो वहां पर इमामत करते हैं। ये हमारे नौजवान वहां भाग के गए, कहने लगे हजरत जरा उजलो जलू से उठ के चलो गांव में, हमारे वहां पर दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली हो गई। पूरी दाल काली हो गई अंदर। तो हजरत जल्दी जल्दी अपने हमारे हमारे दोस्त वहां पर तशरीफ लाए, कहने लगे हाँ भैया, एन वन से कहने लगे हाँ भैया आपने यहाँ पे क्या मसला छेड़ा है। कहने लगे हमने कोई मसला नहीं छेड़ा है, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि न्याजों का अदब कर पाओ तो न्याज करो। अब देखिए ये लोग न्याजों की हड्डियां नालियों में बैठ के बेअदबी होगी कि नहीं। हमारे दोस्त मुस्कुराए, कहने लगे सुभान अल्लाह वाह,
बहुत अच्छे बात। ये बताइए कि सरकार वजीफात की मियाद का शरीयतन हुक्म क्या है? सरल, ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत क्या है? तो कहने की मुस्तहक है, मुस्तहक है। आलिम अहल सुन्नत ने कहा लोगों को बताते हुए कि बाबू मुस्तहक उस अमल को कहते हैं जिसे किया तो सवाब और नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं। यानी सरकार वजीफात की मियाद ऐसा अमल है कि कर लो तो बहुत बारिश से बनकर बड़ा बारिश से सवाब, और अगर नहीं कर पाए तो कोई गुनाह नहीं होगा, फर्ज वाजिब नहीं। कहने लगे आप बाबू एक बात बताइए, एंड गैंड से कहने लगे अब एक बात बताइए, अल्लाह ने कुरान में नाजुल फरमाया है फसले रब्बी का मन हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, कुर्बानी करो। कहने लगे ये जो ईद उल अज़हा था, हर पैसे वाला जिस पर कुर्बानी है, जानवर का ज़िबह करना है, ये भी तो न्याज है। न्याज क्या है? अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह से करीब होने के लिए उसकी इबादत, उसे तो न्याज कहते हैं, है कि नहीं? कहने की ये तो न्याज है, ये भी तो न्याज है ना कुर्बानी, इसका हुक्म क्या है? ये भी मुस्तहब है क्या? कहने नहीं नहीं नहीं, ये तो वाजिब है। कहने के वाजिब का हुक्म ये है कि उसको करना जरूरी, और नहीं किया तो गुनहगार, नहीं किया। और वाजिब मुस्तहब से अफजल ऊपर होता है, वाजिब मुस्तहब से ऊपर दर्जे में होता है। कहने लगे तुम मुस्तहब न्याज के लिए कह रहे हो कि मुस्तहब न्याज का अदब करो, एक बात बताओ, ये जो वाजिब न्याज की तुम कुर्बानी करते हो तो उसकी हड्डियों का क्या मिक्सर ग्राइंडर में चूरा बना के खाते हो? लॉजिक क्यों? क्योंकि वो आलिम अहले सुन्नत स्मार्ट सुन्नी थे। क्या थे? स्मार्ट सुन्नी थे, बहुत स्मार्ट सुन्नी। दूर करो, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना। तो आप लोग स्मार्ट सुन्नी बने, जज्बात में आकर कोई ऐसा काम नहीं, सोच समझ के खूब रख रख के हारे कदम उठाने का जमाना है। अपने आप को आप लोगों के पास मैंने कहा दो हद है, तरीका तो शरीयत की, इसी तरह दो हद आपके पास अकीदत की भी है। कौन सी? कादरियत और चिश्तियत की। ये दो हदें भी आपके पास। कादरियत की हद ये है कि कादरियत का मतलब सरकार गौसेपाक बहुत बड़े आलिम हैं, तो आपको अगर कादरियत से फायदा उठाना है तो इल्मे दीन से इतना हासिल करना हर बहन भाई पर हमारे जरूरी है और फर्ज है, जिससे उनका दीन और ईमान महफूज हो सके। और चिश्तियत की हद में रहने का मतलब यह है कि अपने अखलाक को आप लोग इतना बुलंद कर लें, इतना बुलंद कर लें कि सामने वाला देख के कहे सुभान अल्लाह, ये होता है मुसलमान, ये होता है मुसलमान। अपने आप को जमीन की तरह मुतवाजे बनाए, जमीन की तरह आप लोग अपने आप को बना लें, ऐसा अपने अंदर झुकाव पैदा करें जमीन की तरह, और आसमान की तरह सूरज की तरह, आसमान को सूरज की तरह अपने आप को फैज बांटने वाला बना, कि हर एक पर आज का फैज जो है जैसा बटे। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये चिश्तियत की बतल है। तो ये दो हदें हैं, और इन चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन तरीकती इन शरीयती बरकतों से जो आपका इलाका बुजुर्गों की आमद से उनके कदमों की बरकत से जो यहाँ पर ये दो तरफा बरकतें, दो आतिशा बरकतें जो आपके यहाँ पहुंची है, अल्लाह तबारक व तआला इन बरकतों को हमेशा 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 कायम रखे। आपकी आपके आने वाले नस्लों की जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला इनकी जो बरकतें हैं वो जाहिर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को दुश्मनों की बुरी नजर, हासिदों के हसद से अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज रखे, शर्रियों के शर से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ की सुन्नियत खूब महके, खूब महके, खूब महके। आखिर दावाना الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته